स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज में हम जानेंगे पैनक्रियाज की एनाटॉमी के बारे में, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसके भार, इसके व्यवहार इत्यादि के बारे में। पैनक्रियाज के लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पैनक्रियाज का लोकेशन जानते हैं। तो पैनक्रियाज का लोकेशन है एब्डोमिनल कैविटी में, स्टमक के ठीक नीचे, लीवर के बाईं ओर। तो अगर हम एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम कहीं यहाँ जहाँ रिब्स समाप्त होती हैं, इसके ठीक नीचे का भाग जो है एब्डोमिनल कैविटी होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक के ठीक नीचे और लीवर के, चूंकि ये स्टमक हो जाएगा बाईं ओर और दाईं ओर हो जाएगा लीवर, तो स्टमक के ठीक नीचे और लीवर के बाईं ओर कहीं यहाँ पर नाभि के आसपास बाईं ओर पैनक्रियास प्रेजेंट होगा। इसकी आकृति के बारे में जानते हैं। इसकी आकृति है मछली की सी आकृति, देखने में यह आम की पत्ती के जैसा या मछली की आकृति के जैसा प्रतीत होता है। इसकी सतह की अगर हम बात करें तो इसकी सतह चपटी होती है और कोमल सी होती है, बड़ी सॉफ्ट सी इसकी सतह होती है। इसका रंग गुलाबी सा है और व्यवहार में ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथियां जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के व्यवहारों का निर्वहन करती हैं, यानी एंजाइम्स का भी अपने एक्सोक्राइन पार्ट से और इंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन्स, यानी एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का श्रावण करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसके लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई हो जाती है 12 से 15 सेंटीमीटर और इसके चौड़ाई की बात करें तो ये अपने सबसे चौड़े वाले भाग में हो जाता है लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ा। इसके बाद फिर अगर इसके भार की बात करें तो किसी सामान्य से व्यक्ति में इसका जो भार है वो 60 से 90 ग्राम तक होता है। और भाग की अगर हम बात करें, इसके पार्ट्स की बात करें, तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हो जाते हैं। पहला सबसे चौड़ा भाग जो है वो हेड, मध्य का जो भाग है वो बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, और तीसरा जो सबसे कम चौड़ा भाग है वो हो जाता है टेल या पुच्छ भाग। पैनक्रियाज से पतली पतली नलिकाएं निकल निकल करके आपस में जुड़ती हैं। इन नलिकाओं को कहा जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल्स। पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल्स जुड़ जुड़ करके एक मोटी पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं और पैनक्रियाटिक डक्ट आगे चल करके लीवर से आने वाली जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके साथ में जुड़ जाती है। जहां पर ये जुड़ती है वहीं पर एक चौड़ा सा भाग बनता है जिसे कहा जाता है पैनक्रियाटिक एम्पुला। लेकिन इससे पहले की कहानी ये है कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के ड्यूओडिनम मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के कॉमन बाइल डक्ट में जुड़ने से पहले ही एक पतली सी डक्ट निकल करके ड्यूओडिनम में इस पैनक्रियाटिक हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग से पहले ही खुल जाती है। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से एक पतली नलिका निकल करके ड्यूओडिनल कैनाल में हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग से पहले ही खुल जाती है। इस नलिका का नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी या एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। अब उसके बाद ड्यूओडिनम में जब आगे बढ़ते हैं तो एक डक्ट ऑफ सेंटोरिनी और दूसरा हो जाता है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी से प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ पैनक्रियाटिक जूस, जबकि इस स्फिंक्टर ऑफ ओडाई द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से गॉलब्लैडर से आने वाला बाइल और पैनक्रियाज से आने वाला पैनक्रियाटिक जूस दोनों यहां पे स्रावित होते हुए मिलते हैं। इसके बाद पैनक्रियाटिक जूस भोजन के साथ मिलकर के भोजन को पचाने के काम में आता है।